हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी. आई एम योर ट्यूटर सपना पानीग्राही. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल. टुडे वी विल बी लर्निंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन विच वी विल बी कवरिंग डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस. सो व्हाट इज बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस में होता है. एज यू कैन सी, द फर्स्ट इज सिनगैमी एंड द सेकेंड इज ट्रिपल फ्यूजन. व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट. फर्स्ट मेल गैमेट, जैसे कि आपको पता है हमारा जो पोलन ट्यूब है उसमें दो मेल गैमेट्स आते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस आता है. जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो जाके एग के साथ फ्यूज होता है. वेरस सेकेंड जो ट्रिपल फ्यूजन है वो वहाँ पे जो सेकेंड मेल गैमेट है वो पोलार न्यूक्लिया या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस इनके साथ जाके फ्यूज होता है. अभी इनका लोकेशन कहाँ पे है? इनका एम्ब्रियो सैक के जो मिडिल के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. और एग जो होता है वो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होता है इन द एम्ब्रियो सैक. क्लियर? सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. क्योंकि दो मेल गैमेट्स है, दो बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. द फर्स्ट इज सिनगैमी, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, एंड द सेकेंड इज ट्रिपल फ्यूजन, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड फर्टिलाइजेशन. अब इस प्रोसेस को पहले डिटेल पढ़ते हैं. प्रोसेस से मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये जो है, जैसे कि आप जानते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स है. इसको डिस्कवर किया था नवाज़चीन ने 1898 में. और कौन से फ्लावर्स में किया था? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया स्पीशीज पे किया था. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एमसीक्यूज में, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ. अब हम इनका प्रोसेस डिस्कस करते हैं. क्या होता है आपको पता है, जब प्रोसेस में फर्स्ट जब पॉलिनेशन होता है, जो पोलन ग्रेन का जो इंटाइन होता है ये बेसिकली पोलन ट्यूब फॉर्म करता है ड्यू टू वेरियस केमिकल रिएक्शंस. अब ये केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? बिकॉज जो स्टिग्मा होता है वो शुगरी सब्सटेंस सेक्रीट करता है. ठीक है, जिनके वजह से क्या होता है, इंटाइन से थ्रू जर्म पोर पोलन ट्यूब अराइज होता है. फिर क्या होता है, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है. और इस पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है. ये रन करता है, मतलब ये जो पोलन ट्यूब है टुवर्ड्स द चाइल्ड रन करता है. और इस ट्यूब के अंदर ही हमारे दो मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं. फाइनली ये टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड टर्न लेता है टुवर्ड्स द ओव्यूल. और ये ओव्यूल कहाँ पे? हमारे ओवरी के कैविटी में. ठीक है, अब पोलन ट्यूब का जो लेंथ है स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्टाइल. जितना लंबा स्टाइल होता है उतना लंबा पोलन ट्यूब ग्रो करता है. ठीक है, अब ये पोलन ट्यूब जब एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, यू नो हमारा जो ओव्यूल है वो क्या है, एनाट्रोपस है, बायटेगमिक है. एनाट्रोपस मतलब इन्वर्टेड है. तो ये जो है उसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये वाला क्या है, चलाजल एंड है. क्लियर? तो वो जब टर्न लेता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे इस एंट्री को बोलते हैं पोरोगैमी. ठीक है, फिर क्या होता है, आपको पता है हमारा टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड कौन से सेल्स अवेलेबल है? एग अपारेटस है. एग अपारेटस में क्या क्या होता है? एग होता है और सिनर्जिड्स होते हैं. एग बीच का सेल होता है, उसके जो साइड में दो सेल्स होते हैं वो होते हैं सिनर्जिड्स. ठीक है, ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, फिलीफॉर्म अपारेटस फॉर्म करते हैं. ये फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है या फिर गाइड करता है टुवर्ड्स द एग अपैरेटस. क्योंकि बेसिकली फर्स्ट मेल गैमेट को क्या करना है, सिनगैमी करना है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन करना है. तो वो एग अपैरेटस के पास, एग के पास जाएगा, दैट इज ओओस्पोर के पास जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि फिलीफॉर्म अपैरेटस ने अट्रैक्ट कर लिया है, गाइड कर लिया है, अब पोलन ट्यूब और इलोंगेट होगा अलॉन्ग विथ, वो उसको क्या कैरी करेगा अपने साथ, दो हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है, अपने पोलन ट्यूब के साथ लेके जाएगा. इसलिए इस प्रोसेस को ना सिफोनोगैमी भी बोलते हैं. सिफोन का मतलब होता है, साइफोन का मतलब होता है ट्यूब. ठीक है, फाइनली ये जो पोलन ट्यूब है ये न्यूसेलस को अच्छे से पियर्स करेंगे, फिर पेनेट्रेट करेंगे हमारे एम्ब्रियो सैक में, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट में. ठीक है, तब तक पेनेट्रेट करेंगे जब तक उनको एग नहीं मिल जाता, एग अपारेटस नहीं मिल जाता. ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये सिनर्जिड्स जो है, जो दोनों वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक में अवेलेबल है, ये सिनर्जिड्स क्या हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाते हैं.
उनका काम हो गया, उनका काम था फिलिफॉर्म अपैरेटस प्रोड्यूस करना, फिलिफॉर्म अपैरेटस का काम था उनको गाइड करना पोलन ट्यूब को टूवर्ड्स द एग अपैरेटस, अब उनका काम हो चुका है तो वो डिमिनिश हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और फिर पोलन ट्यूब फाइनली जब वहाँ पे पहुँच जाएगा पोलन ट्यूब भी बर्स्ट हो जाएगा रिलीजिंग टू मेल गैमेट्स। ठीक है, अब जो दो मेल गैमेट्स है हमारे पोलन ट्यूब में, उसमें से एक मेल गैमेट जाने वाला है एग के पास, दूसरा वाला जाने वाला है कहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई दैट इज सेकेंडरी सेल्स के पास जाने वाला है, जो कहाँ पे है, यहाँ पे है मिडल में है। ठीक है, और जो ट्यूब न्यूक्लियस साथ में आया था पोलन ट्यूब के, वो भी डीजनरेट हो जाएगा जैसे ही पोलन ट्यूब का बर्स्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो एक मेल गैमेट जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो कहाँ जाने वाला है, एग के पास, फर्स्ट वाला दैट इज द ओवोस्पोर, एग सेल के पास, क्या करने वाला है, फर्टिलाइजेशन का काम करने वाला है, राइट क्योंकि हमारा एग सेल भी हैप्लॉइड है, हमारा मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो हमको क्या मिलेगा, डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा। सो क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉइड है और हमारा एग भी हैप्लॉइड है, तो हमको जो जाइगोट मिलेगा वो होगा डिप्लॉइड, और हमारा स्पर्म यहाँ पे जो मेल गैमेट है दैट इज वो भी हैप्लॉइड है, दूसरा सेकेंड मेल गैमेट, वेरस जो दो पोलार न्यूक्लियाई है वो भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड है लेकिन दो है, तो हम हमें जो पेन या फिर जो हमारा एंडोस्पर्म होगा वो हमको क्या मिलेगा, ट्रिप्लॉइड मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, तीन न्यूक्लियस मिल रहा है यहाँ पे, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल दैट इज द सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट, मैंने जैसे कि आपको बोला था जब पोलन ट्यूब आता है, जो उसकी एंट्री होती है वो जब माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होती है, ये उसका माइक्रोपाइलर है और ये उसका चलाजल एंड है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जब एंट्री होती है तो इस टाइप को बोलते हैं पोरोगैमी, और मोस्टली हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री होता है पोलन ट्यूब का। जो सेकेंड टाइप है थ्रू चलाजल होती है, सो चलाजल होती है इसलिए सेकेंड टाइप का नाम है चलाजोगैमी, और जो थर्ड टाइप होता है इंटेग्यूमेंट्स, आपको पता है हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो बायटेगमिक है, तो जब इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री होती है उसको बोलते हैं मीसो। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एम्ब्रियो सैक। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो लिखा है इट गिव्स स्टिमुलस टू द प्लांट ड्यू टू विच ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स एंड डेवलप इनटू सीड्स, मीनिंग जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है जिसके वजह से फाइनली क्या होता है, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं इनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो दोनों कैरेक्टर्स का होता है, दैट इज जो मेल गैमेट दैट इज अ पैटर्नल कैरेक्टर्स और फीमेल गैमेट दैट इज अ मैटर्नल कैरेक्टर्स, जिसके वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन, और ये डिप्लॉइड कंडीशन को भी क्या करता है, रिस्टोर करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट विच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, मीनिंग बोथ मेल गैमेट्स भी यूटिलाइज हो रहे हैं, साथ ही जो सिनगैमी है ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, और ये जायगोट फाइनली क्या बनाता है, एम्ब्रियो, जिसके वजह से एक नया प्लांट का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। द फोर्थ पॉइंट इज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच डेवलप्स इन टू एंडोस्पर्म इन द सीड, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यस, ये एंडोस्पर्म जो सिचुएटेड है बिल्कुल कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक का जो विसिनिटी है एकदम वहीं पे मिडल में ही बन रहा है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको फूड रेडीली अवेलेबल मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंडोस्पर्म्स, और जो सीड्स भी डेवलप होंगे वो काफ़ी ज़्यादा वायबल और काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मेथड है किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। चलिए एक बार रिकलेक्ट करते हैं क्या क्या मेजर इवेंट्स ये पूरे प्रोसेस में हुए हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। जो फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा था वो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज जो पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। फिर हमने देखा था माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, मतलब मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म हुए पोलन ग्रेन से, और ये पोलन ग्रेन ने फिर फाइनली क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट बनाया। फिर क्या हुआ,
पॉलिनेशन हुआ. पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. नेक्स्ट था मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फीमेल मेगास्पोर्स बनाना था. कैसे बना? अगेन MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल से. ये कहाँ होता है? ओव्यूल में होता है. ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर. नेक्स्ट था मेगा गैमेटोजेनेसिस, दैट इज यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना? थ्रू मेगास्पोर. एंड लास्टली, जब अभी हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों बन गए हैं तो फाइनली इनका फ्यूजन होगा. जो फर्स्ट मेल गैमेट फॉर्म होता है वो क्या करता है? वो फ्यूज होता है जाके एग के साथ, दैट इज फीमेल गैमेट के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनी. और ये जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो करता है. फाइनली जो सेकेंड मेल गैमेट था उसने किया था ट्रिपल फ्यूजन. यहाँ पे क्या होता है? जो सेकेंड मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियर या पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है और हमको क्या मिलता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है और इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस है और हमारा जो मेल गैमेट वो भी सिंगल न्यूक्लियस है, दैट इज हैप्लॉइड है. सो ये हैप्लॉइड और सेकेंडरी के दो हैप्लॉइड मिला के क्या होता है? तीन न्यूक्लियस बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ओके, और या फिर सेकेंड फर्टिलाइजेशन, वेर इज जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं सिनगैमी या फिर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन डिटेल. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन for further notifications. Thank you so much for watching once again.